हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे आसान खतरनाक मेथड। देखिए सिंपल सा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखो, पाई को भूल जाओ, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। अच्छा कैसे पता चलेगा सिग्मा बॉन्ड? देखिए सेंटर एटम एक ही होगा, बाकी के क्या काम कर रहे होंगे? सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम से आपको आइडिया लग जाएगा कितने सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान से रखिएगा। और लोन पेयर का कैसे पता चलेगा? लोन पेयर का पता लगाने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उस सेंटर एटम के उसमें से टोटल सिग्मा प्लस पाई को माइनस करो और बचे हुए कितने कर दोगे? दो। यानी थे कितने, कितने गए, डिवाइडेड बाय टू। वो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? लोन पेयर में। तो एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझेंगे, NH3 नाइट्रोजन पे कितने थे? पांच। गए कितने? तीन, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। बचे कितने? दो, यानी एक लोन पेयर। तो एक तरह से 3 + 1 यानी 3 + 1 हमारे लिए क्या हो जाएगा? 4। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, SO3 सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस? 6। गए, हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, हाइड्रोजन सिंगल से, ऑक्सीजन डबल से, तो गए कितने? 6। 6 गए, बचे कितने? 0। तो लोन पेयर कितने होंगे? 0। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास कितने होंगे? 3 + 0 = 0, 3 + 0 = 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। Is that clear? sp2 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और एग्जांपल पे, SO2Cl2 सल्फर सेंटर एटम है, कितने हैं? 6। तो कितने गए? दोनों ऑक्सीजन दो दो लेगी यानी 4, दोनों हेलोजन एक एक लेगी, 5 6, 6 थे 6 गए, बचे 0, लोन पेयर 0, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास 4 + 0 = 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। नेक्स्ट XeO2F2, Xe ज़ीनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 8, दो ऑक्सीजन गए, 2 2 4 गए, 5 6 6 गए, तो अभी भी कितने बचे? 2, 2 बचे, यानी एक लोन पेयर है। अब आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 तो सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो कितना हुआ? 4 + 1 = 5। इज दैट क्लियर? यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका? sp3d। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो इनको फटाफट लिखो। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर बताना है। फास्फोरस PCl3 थे कितने? 5, 5 में से गए कितने? 3, बचे 2, यानी एक लोन पेयर, 3 + 1 = 4, यानी आंसर sp3। फास्फोरस में 5 थे, 5ों ही गए सिग्मा बॉन्ड में, बचे 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? sp3d। कार्बन है, देखिए जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो OH-OH लिंकेज का ध्यान रखें, तो दो तो OH है यानी ये होगा OH-OH और एक डबल बॉन्ड होगा, तो बताइए कार्बन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4, 4ों गए, लोन पेयर 0, समझ में आया? तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 3, यानी कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे और sp2 आपका आंसर हो जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट XeO3 कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 8 में से कितने गए? 6, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बचे कितने? 2, यानी लोन पेयर कितना है? 1, तो 1 + 3 कितना हुआ? 4, आंसर क्या हो जाएगा? sp3। नेक्स्ट XeO4 थे कितने? 8, 8 हो गए, ऑक्सीजन दो दो खाएगी, तो बचे 0, और यानी यहां पर भी 4 sp3। I3+ सेंटर एटम I+ होगा, इस जगह सेंटर एटम क्या होगा? I+, I+ है, बाकी सराउंडिंग एटम भी क्या होगा आपके पास? II। तो बताइए थे कितने? 7, प्लस आते ही कितने हो गए? 6, 6 में से 2 गए, बचे कितने? 4, तो लोन पेयर कितने होंगे? 2, 2 लोन पेयर होंगे, तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो आंसर क्या होगा? 4 sp3 आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना इससे आसान नहीं हो सकता। I3- थे कितने? 7, एक और माइनस आ गया 8, 8 में से 2 तो सराउंडिंग वाले ले गए, तो बचे कितने? 6, तो लोन पेयर अब कितने होंगे? 3, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट HNO3, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, एक ये O और एक ये OH, समझ में आ रहा है? थे कितने? जितने थे सब गए, तो आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, 3 है, आंसर क्या जाएगा? sp2। H2O में 2 गए, 2 बचे, यानी एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, 6 थे आपके पास, 6 में से 2 गए, 4 बचे, 2 लोन पेयर, इसका मतलब 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, sp3। SF4 सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6, 6 में से कितने गए? 4, हेलोजन एक एक खाएगा, बचे 2, यानी एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, sp3d। IF5 थे कितने आयोडीन पे? 7 गए, 5 बचे, 2 यानी एक लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, तो कितना होगा आंसर? sp3d2। इज दैट क्लियर? 6 लाना है आपको। नेक्स्ट HgCl2, ये हमारे को निकालना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये डी ब्लॉक का है, यहाँ पर हमें नहीं, यहाँ पर कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 2,
तो सीधा निकालेंगे यहां पर sp2 sp दो बॉन्ड पेयर है, मत दिमाग लगाना, डी ब्लॉक में जितने आपके सिग्मा बॉन्ड है वही देखना है, लोन पेयर देखना ही नहीं आपको, ये लिखना पड़ेगा आपको, डी ब्लॉक के केस में आपको लोन पेयर नहीं कैलकुलेट करने, नहीं देखने। HClO क्लोरीन है, क्लोरीन है आपके पास, तो क्लोरीन के अंदर क्या होगा, OH है आपके पास, तो क्लोरीन पे निकालने की कोई जरूरत है क्या आपको, देख लो ऑक्सीजन पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड है, वहां जरूरत ही नहीं आपको, सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। HClO2 Cl डबल बॉन्ड हो, एक OH, तीन गए, बचे कितने, पांच सात थे, तो आपके पास दो लोन पेयर, दो दो चार पांच छह सात, बिल्कुल सही है, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp, जल्दी बताओ sp3, इसमें भी sp3 आएगा, इसमें भी sp3 आएगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, लोन पेयर कम होता जाएगा, ऑक्सीजन आती जाएगी, तो सिग्मा बॉन्ड आपके पास एक ही बढ़ेगा। BF3 थे कितने, तीन, तीन ही गए, लोन पेयर कितने रहेंगे, जीरो, तो क्या आंसर आएगा, sp2। SF6 सिक्स थे, सिक्स में से छह गए, तो sp3d2 लोन पेयर जीरो है, ठीक है। IF7 आयोडीन के पास सात थे, सातों गए, बचे जीरो, लोन पेयर जीरो, यानी आपके पास सात बॉन्ड पेयर sp3d3। XCF2 थे आठ, दो गए, कितने बचे, छह, यानी तीन लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, तो तीन और दो पांच, sp3d। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यस और नो, क्लियर है।